वहीं देख ले अगली बड़ी खबर आ रही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती से जुड़ी हुई। जी हां, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पहले ही मायावती अकेले ही मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है, इसका ऐलान भी कई मंचों से कर चुकी है। अब इसी को लेकर आज पार्टी यूपी और उत्तराखंड में पार्टी की एक एक सीट की जमीनी हकीकत को जानने के लिए मीटिंग वो करती नजर आई। यूपी उत्तराखंड के तमाम पदाधिकारियों के साथ मायावती ने मीटिंग की है। इस बैठक में पदाधिकारियों के साथ साथ जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया। बसपा सुप्रीमो संगठन विस्तार को लेकर किए गए कार्यों के साथ साथ गांव चलो अभियान के दौरान होने वाली जो बैठक हुई है उसकी भी तमाम जानकारी लेती नजर आई। इसके साथ ही संगठन को लेकर 80 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया और प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा हुई है। बहुजन समाज पार्टी लगातार राज्य के विधानसभा चुनाव को लेकर अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास कर रही है। मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं मानस श्रीवास्तव लखनऊ से। तो मानस, आज की ये बैठक क्या मुख्य एजेंडा रहा है, क्योंकि अभी तक तो विधानसभा चुनावों की ही सुगबुगाहट है, उसी को लेकर बहुत सी चीजें सामने आ रही है, लेकिन यहां तो तैयारी सीधा मिशन 24 की। देखिए, आज की जो बैठक बुलाई गई थी वो दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक बुलाई गई थी, और मायावती ने अपनी बैठक में संगठन के पदाधिकारियों को साफ तौर पर समझा दिया है कि जो भी चर्चाएं चल रही उस पर ध्यान न दिया जाए और उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ने की तैयारी करे। इसी तरीके से उत्तराखंड की भी सभी सीटों पर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। यानी पहली बात तो ये स्पष्ट कर दी संगठन के लोगों को कि ये मान के ना चले कि किसी से गठबंधन होने जा रहा है, पार्टी अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। दूसरा जो प्रमुख कार्यक्रम था जिस पर चर्चा हुई कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी जिन भी महापुरुषों को, खासतौर से दलित महापुरुषों को लेकर के अब तक कार्यक्रम करती रही है, समाजवादी पार्टी लगातार उनके कार्यक्रम को अपनी पार्टी के मंच से कर रही है। एक अंबेडकर वाहिनी भी बनाई गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसके अलावा काशीराम को भी लेकर के अलग अलग आयोजन समाजवादी पार्टी करती रहती है। तो इस बार ये तय किया गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो काशीराम का जो परिनिर्वाण दिवस है उस पर कार्यक्रम आयोजित होगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खासतौर से फोकस किया जाएगा। और ये कहा गया है कि जो बाकी सियासी दल जो भी दलित महापुरुषों का नाम लेकर के आज वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं उनसे वो खुद भी सावधान रहें, और साथ ही साथ जो बीएसपी का जो मूल वोट बैंक है यानी जो दलित वोट बैंक है उसको भी आगाह करें कि उनका हित सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में है, बाकी जो सियासी दल हैं चाहे वो समाजवादी पार्टी, खासतौर से वो समाजवादी पार्टी का बार बार जिक्र कर रही थी कि वो मात्र एक छलावा है और वोट बैंक की राजनीति के तहत बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम का नाम लिया जाए या बाकी दलित महापुरुषों का नाम लिया जाए या अंबेडकर के नाम पर वाहिनी का गठन किया जाए, ये सब एक वोट बैंक की राजनीति के तहत हो रहा है। तो एक तरीके से वो अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो बेस वोट बैंक है बहुजन समाज पार्टी का उस पर जिस तरीके से बाकी सियासी दल डोरे डाल रहे हैं या उस पर सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से आज की बैठक में उसको सावधान, उनको कार्यकर्ताओं को सावधान करने की स्पष्ट स्थिति की गई है। इसके अलावा क्षेत्रवार लोकसभा चुनावों में भी एकला चलो के नारे पर ही चलने वाली है बीएसपी, ये मायावती ने आज ये इस बैठक में क्लियर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानस, इस तमाम जानकारी के लिए।